Honorable Minister, the Government of India schemes, which are very good. But coming to our state, we have started, our Honorable CM has started a program by name Jagananna Goru Mudda. That is, for, we have identified in every district who are all the children who are not up to the height and age index where it is very low and the malnutrition is identified. In addition to the scheme given by the Government of India through Anganwadis and other schemes and PMMMAY, we are giving eggs every day and milk every day, and some extra precaution we are taking by identifying the students, so the children. So any scheme of that nature, whether the Honorable Minister is aware of that, and if Madam is aware, whether we are in the process of identifying some districts or children who are having this malnutrition, and whether this scheme can be taken forward for the whole country's benefit. Thank you so much. सर संक्षेप में जवाब देना चाहिए, आदेश का पालन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, वी अप्रिशिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू इंटरवेंशंस बाय ऑल स्टेट्स, दे आर फ्री टू मेक दोज इंटरवेंशंस, गिवन आर कैपेसिटीज एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी इंश्योर दैट वी कंसल्ट विद स्टेट्स एज टू द काइंड ऑफ एलोकेशन एंड द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट दे वुड लाइक टू अंडरटेक इन देयर स्टेट्स. एवरी स्टेट इज फ्री टू देन कस्टमाइज सर्टन पैरामीटर्स एज दे डीम फिट. क्वेश्चन नंबर 82, श्री मनोज कोटक. क्वेश्चन नंबर 82. So the answers are laid on the table of the house. अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो वायु प्रदूषण से लगा के नेशनल क्लीन एयर मिशन के अंतर्गत हमने सरकार का, मैं अभिनंदन पहले करूंगा कि इस बजट के अंदर पिछले सालों की तुलना में 10 गनी राशि बढ़ाई गई है, 4,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. लेकिन उसके साथ साथ ये जानना चाहूंगा कि इसके इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल या व्हीकुलर सेक्टर के ऊपर पर्टिकुलर कुछ हम काम कर रहे हैं, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म या फिर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, मैं जानना चाहूँगा. सर आपके आदेश अनुसार मैं शॉर्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा सर, लेकिन सरकार ने इतना कुछ काम किया है कि अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा तो उनके साथ भी नाइंसाफी होगा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. तो नेशनल क्लीन एयर मिशन एनकैप जो है ये लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड, बाकी आप लिखित में भेज देना, शॉर्ट में जवाब दे दो, बाकी लिखित भेज देना. नहीं सर पढ़ नहीं रहा हूँ, हमें जो पीएम 10 और पीएम 2.5 जो है, नॉर्मली पीएम 10 का जो लेवल है वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के हिसाब से वो डिजायरेबल लेवल है. तो 102 सिटीज़ को हमने पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में हमने चुना है, और उसमें ये बाय 2024 हम 2017 का बेस को अगर पकड़े तो ये 90 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम कम करना चाहते हैं. इस वक्त ये बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे देश में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज सिंक्रोनाइज वे में इस पर काम कर रहे हैं. अगर उन्होंने जो क्वेश्चन का जो दूसरा हाफ है कि बाकी मिनिस्ट्रीज इसमें क्या करेंगे, अगर 2 मिनट आप समय दें तो आपको बता दूँ कि 5 मिनिस्ट्रीज सर, 5 मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम कर रहे हैं. महुआ ने जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो है, महुआ ने 309 करोड़ रुपया दिया है अर्बन डेवलपमेंट फंड से, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के एमसीडीज नॉर्थ डीएमसी, एसडीएमसी को 89 करोड़, डीएमसी को 110 करोड़, एमसीडीज को 110 करोड़. तो दिल्ली गवर्नमेंट को जो है स्पेशली इसके लिए जो है अलग से दे शुड वर्क वेरी हार्ड इन यूटिलाइजिंग इन फंड्स. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो 1,178.47 करोड़ दिया है फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जो स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसके लिए. इसके अलावा आपको जान के खुशी होगी कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज फेम 2 के स्कीम में, फेम 1 बहुत दिन से चल रहा था, फेम 2 के स्कीम में फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 3 साल में 10,000 करोड़ का जो है बजट सैंक्शन किया है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल गैस, इन्होंने स्विचिंग ओवर फ्रॉम BS4 टू BS6 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ खर्चा किया है फ्रॉम 4 टू 6. और एक मिनिस्ट्री देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर ईस्टर्न पेरीफेरियल एक्सप्रेस वे एंड वेस्टर्न पेरीफेरियल एक्सप्रेस वे जो दिल्ली के लिए बना है, दिल्ली का जो खर्चा है वो एनकैप से नहीं जाता है, वो एक अलग फंड ECH से जाता है. उसमें ये जो जो बना है उसमें 17,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, उससे 60,000 व्हीकल्स दिल्ली के अंदर घुसती नहीं है,
बाहर से वो व्हीकल्स जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि महुआ का एक और मुहिम है जिसमें मेट्रो रेल में, सर बता दूं सर, इतने मैं बताया इतने सारे हैं महुआ में, 377 किलोमीटर और 277 स्टेशन, 70,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनके फंड्स को जल्द से जल्द खर्चा करे ताकि ये जो पहाड़ बने हुए कचरा का वो ना हो। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि मुंबई और दिल्ली में जगह की काफ़ी कमतरता है, इसमें जो हमारा सरकार का संकल्प है कि ई व्हीकल बढ़ाए जाए तो उसके चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने जाने के लिए, क्योंकि जगह कम है मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, तो सरकार ने उसमें क्या प्रावधान किया बताएं। सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जहाँ तक सवाल है, चार्जिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये मोटा मोटी ये चिकन एंड द एग वाली बात है कि जिसको आप पहले ऑर्डर देंगे वो पहले होगा। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तब चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे या चार्जिंग पॉइंट बना लेंगे फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले जो है उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा कॉस्टली होता है, उसमें क्या है कि कैपेक्स थोड़ा हाई होता है, बाद में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो स्टीप एक डिक्लाइन होता है। तो वो पैसा जो वो खर्चा करेंगे जो जब गाड़ी खरीदेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाया जाएगा। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि यूरोप में जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत चलते हैं घर पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग हो सकता है। उसके लिए रस्ते में जरूरत तो है लेकिन इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। अधीर रंजन जी चौधरी।